हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर आवर टुडेज टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ बोन्स ब्रॉडली देर आर फाइव फंक्शन ऑफ बोन सो वी विल डिस्कस देम वन बाय वन तो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है बोन का दे गिव सपोर्ट टू द बॉडी मीन्स हम बोन के वजह से ही चल सकते हैं दौड़ सकते हैं या कोई भी मूवमेंट हम इजीली कर सकते हैं सेकेंड फंक्शन ऑफ बोन इज इट प्रोवाइड लीवर्स फॉर मूवमेंट मीन्स कोई भी चीज़ उठाने के लिए बोन की ही हेल्प ली जाती है इमेजिन कीजिए अगर यहाँ पे बोन नहीं होता तो क्या हम ये चीज़ उठा सकते नहीं हम ये चीज़ नहीं उठा सकते तो इस वजह से ये इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ थर्ड फंक्शन इज बोन्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ये है ब्रेन तो ये स्कल के अंदर है तो स्कल का जो ऊपर का पोर्शन है दैट इज़ क्रैनियम जो क्रैनियम है वो बोन से बना है तो ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हार्ट और लंग्स ये रिब्स के अंदर है तो इस वजह से इसका थर्ड फंक्शन हुआ इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन फोर्थ फंक्शन है इट इज़ हाउस ऑफ बोन मैरो अब ये बोन मैरो क्या है बोन मैरो इज अ स्पॉन्जी सब्सटेंस इनसाइड द बोन बोन मैरो ये बोन के सेंटर में होता है और ये ब्लड सेल मैन्युफैक्चर करने का काम करता है जैसे कि आपको पता है कि तीन टाइप के ब्लड सेल हैं पहला है रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स तो जो रेड ब्लड सेल है दैट इज जिसे हम आर कहते हैं तो आर ये ऑक्सीजन कैरी करने का काम करते हैं वाइट ब्लड सेल दैट इज डब्ल्यू ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स डिसीज कॉजिंग एजेंट जो है उन्हें किल करने का काम करते हैं और जो प्लेटलेट्स है वो प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में बॉडी की हेल्प करते हैं तो ये तीनों ब्लड सेल जो है ये बोन मैरो ही उन्हें मैन्युफैक्चर करता है फिफ्थ उसका बोन का फंक्शन है इट स्टोर्ड कैल्शियम एंड फॉस्फरस कैल्शियम इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन आपको पता है कि हमारी बॉडी कभी भी कैल्शियम नहीं बना सकती कैल्शियम हमें बाहर से लेना पड़ता है जैसे कि है मिल्क प्रोडक्ट या मीट है या एग है तो ये जो फूड आइटम है उनमें से हमें कैल्शियम मिलता है तो वो कैल्शियम हमारी बॉडी एब्सॉ करती है तो ये कैल्शियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है तो यहाँ पे मैंने उसके फंक्शंस दिए हैं तो पहला है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मेकिंग बोन्स स्ट्रांग एंड हेल्दी एक्टिवेटिंग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करने का काम यह कैल्शियम करता है देन है फैसिलेटिंग नर्व टू नर्व कम्युनिकेशन तो ये हुआ इसका फंक्शन उसके बाद है बोन के अंदर होता है फॉस्फरस तो फॉस्फरस इट इज़ अ की एनर्जी सोर्स मीन्स फॉस्फरस इज इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसफर मेकेनिज्म इंक्लूडिंग द जनरेशन ऑफ ए टी पी तो ए टी पी जनरेशन में यह हेल्प करता है तो ए टी पी क्या है इट इज़ एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेक्ट ए टी पी का मेन रोल है किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को ब्रेकडाउन करने के लिए ए टी पी की ज़रूरत होती है बॉडी के मेटाबोलिज्म में ए टी पी का मेन फंक्शन होता है एंड ऑल्सो फॉस्फरस इज़ इन्वाल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ शुगर तो ये हुआ कैल्शियम और फास्फोरस जो कि बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बोन में स्टोर किए रहते हैं तो आज हमने देखे हैं बोन के सारे फंक्शन अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा थैंक यू